नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अवस्थी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूं एक गिम्बल, स्मार्टफोन गिम्बल जो कि है कोडैक का XD1। और ये मैंने बाय किया था कल सहारागंज मॉल से, वहां पे एक डिजिटल जोन शॉप है, वहीं से मैंने इसको ख़रीदा था। हालांकि फर्स्ट अनबॉक्सिंग तो वहीं पर होगी, अनबॉक्सिंग तो हम करेंगे जाके हो गई थी, बट अब मैं यहाँ पे इसको खोल के दिखाने वाला हूँ क्या क्या है इसके अंदर और कैसे ये करता है काम। यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स के ऊपर मिल जाती है हमको कोडैक की ब्रांडिंग और यहाँ नेम XT1 स्मार्टफोन गिम्बल। अगर लेफ्ट में देखे तो मिलता है हमको हॉरिजॉन्टल एंड पोर्ट्रेट मोड, साथ में है पनोरमा और फेस ट्रैकिंग, साथ ही मिलती है एडजस्टेबल आर्म्स। एंड राइट में दिया गया है कि भैया इसमें टाइम लैप्स अवेलेबल है, जो बैटरी रन आवर है वो है 12 घंटे का, साथ ही मैनुअल जूमिंग है और रियल टाइम चार्जिंग, यानी कि आप अपने फ़ोन को यूज करते समय कोडैक गिम्बल से चार्ज भी कर पाएंगे। सो ये खोलते हैं बॉक्स और निकालते हैं गिम्बल, फिर देखते हैं ये कैसा है। सो यहाँ भी हमको कोडैक का ब्रांडिंग मिल जाती है और स्मार्टफोन गिम्बल। सो ये है एक यहाँ पे एक और बॉक्स मिलता है, स्लीक सा केस है, बहुत ही सॉफ्ट, और यहाँ भी लिखा हुआ है कोडैक। साथ में है कुछ यूजर मैनुअल जिसको आप यूज करने से पहले पढ़ सकते हैं, फिलहाल हम तो इसको पढ़ चुके हैं, क्या देखेंगे। सो अब खोलते हैं इस मेन बॉक्स को और निकालते हैं गिम्बल। और इस बॉक्स में हमको रखा हुआ मिल जाता है कोडैक का XD1 गिम्बल जो कि है ये। तो पहले इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है एसेसरीज। तो सब वो मिलता है एक ट्राइपॉड छोटा सा जो कि हम यूज करेंगे इस गिम्बल के लिए, और एक ये है केबल, यूएसबी केबल, और साथ में मिलता है हमको एक स्ट्रैप। तो ये सब रखते हैं साइड में। ये है पूरा आइटम इस कोडैक गिम्बल के साथ में। बात करते हैं इस गिम्बल की, तो सबसे पहले हमको जो फ्रंट में मिलता है वो यहाँ पे एक मिल जाता है जॉयस्टिक, साथ में है ब्लूटूथ कनेक्ट। ये जो लेवल है ये दिखाते हैं कि आप कौन सा मोड सेलेक्ट करके रखें। यहाँ पे तीन मोड मिलते हैं हमको, साथ ही है बैटरी इंडिकेटर, और ये एक है जूमिंग के लिए, और साथ बीच में मिलता है इसी के पावर ऑन ऑफ बटन। और नीचे कोडैक की ब्रांडिंग की गई है ये यहाँ पे, और राइट साइड में कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में हमको मिल जाता है एक चार्जिंग पॉइंट जिससे हम गिम्बल को चार्ज कर पाएंगे। और अगर पीछे देखें तो यहाँ पे मिलता है एक स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए USB पॉइंट, साथ ही में हमको मिल जाता है एक बटन जिससे कि हम फोटो और वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये एक 3-axis गिम्बल है, तो यहाँ पे पैन मोटर, रोल मोटर एंड टिल्ट मोटर। इसका जो पैन है वो है 330 का। साथ ही गिम्बल में नीचे की तरफ मिलता है 1/4 का थ्रेड स्क्रू, इसको आप अपने ट्राईपॉड पे या फिर मोनोपॉड पे लगा सकते हैं गिम्बल को आसानी से। और इसका जो पैन मोटर है वो फॉलो करता है 330 डिग्री पे, और साथ ही जो टिल्ट मोटर है वो है 325, और जो साथ ही जो रोल मोटर है वो 180 डिग्री पे घूमता है सिर्फ। साथ ही यहाँ पे तीन मोड मिल जाते हैं हमको, जो मोड चेंज करने हैं वो हम इस पावर ऑन ऑफ स्विच से चेंज करेंगे। सिंगल दबाने पे मोड अपने आप चेंज हो जाते हैं जब पावर ऑन होता है। तो जो पहला मोड है वो है फुल फॉलो मोड, सेकंड है पैन फॉलो, एंड थर्ड मोड है फुल लॉक मोड। तो अब हम जल्दी से इसको लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे एंड आपको दिखाते हैं कैसे ये वर्क करता है। यहाँ आप अच्छे से अपना मोबाइल फंसा सकते हैं, साथ ही अगर आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना चाहें तो यहाँ से इसको ढीला करके आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में इसको डाल सकते हैं। तो मैं अपना फ़ोन लगाता हूँ जल्दी से। फ़ोन लगाने के बाद सबसे मेन काम होता है बैलेंसिंग का, तो इस गिम्बल में बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दिया गया है एक स्क्रू। तो मैं अपने फ़ोन को कर लेता हूँ बैलेंस, क्योंकि अगर आपका फ़ोन बैलेंस नहीं होगा तो जो वीडियो है
वो उतना स्मूथ नहीं आएगा जितना कि स्मूथ आना चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ इसको एडजस्ट, और अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। तो अब हम करते हैं गिम्बल को ऑन एंड, आप देख रहे हैं गिम्बल ऑन हो चुका है एंड ये जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक कर रही हैं यहाँ पे। इस समय ये फुल फॉलो मोड पे है, और साथ ही यहाँ पे एक जो जॉयस्टिक दिया गया जिससे कि आप अपने टिल्ट पैन और पैन मोटर को लेफ्ट या राइट में कर सकते हैं। कोडेक गिम्बल का एक एप्लीकेशन आता है जो कि अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये और भी अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि अगर कोडेक गिम्बल का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से वीडियो वगैरह उतना बढ़िया नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कोडेक का जो एप्लीकेशन है वो अपने फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कोडेक गिम्बल। तो मैं करता हूँ इसको ऑन, और अब करते हैं हम इसको कनेक्ट अपने मोबाइल फोन से। तो स्टेबलाइजर, और ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जल चुकी है जो कि इंडिकेटर है ब्लूटूथ से कनेक्ट होने का। अब हम आपको दिखाते हैं इसके वेरियस मोड्स। तो जो सबसे पहला मोड है वो है हमारा फुल फॉलो मोड। इसमें जो गिम्बल है वो आप गिम्बल के तीनों मोटर काम करेंगे। अगर हम पैन लेफ्ट में घुमाएंगे तो हमारा पैन फॉलो मोटर काम करेगा, अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा जो टिल्ट मोटर है वो काम करेगा, और साथ ही रोल मोटर भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये था रोल मोटर का वर्क, पैन फॉलो तो पैन घूम ही रहा है साथ ही टिल्ट मोटर भी घूमता है। सेकेंड मोड पर जाते हैं तो केवल पैन फॉलो करेगा, केवल और केवल पैन फॉलो करेगा, यानी कि ये वाला मोटर वर्क करेगा ओनली, बाकी टिल्ट मोटर और रोल मोटर दोनों ही लॉक रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट मोड की जो कि है फुल लॉक मोड, इसमें तीनों ही मोटर लॉक हो जाएंगे, ना तो फैन फॉलो करेगा, ना टिल्ट फॉलो करेगा और ना ही रोल मोटर फॉलो करेगा। ये बट आप जॉयस्टिक से इसको किसी भी तरफ घुमा सकेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस गिम्बल के एप्लीकेशन के साथ में मिलने वाले फीचर्स की। यहाँ पे आपको जो कैमरा फीचर दिखता है यहाँ पे आपको पनोरमा मोड मिल जाता है, साथ ही आपको एक टाइमर मिल जाता है 2 सेकंड 5 सेकंड एंड 10 सेकंड का। यहाँ से आप अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे है गैलरी, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फेस ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के। साथ ही राइट में मिल जाता है आपको होम बटन, कैमरा सेटिंग, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, HDR मोड, ब्यूटी मोड एंड वाइट बैलेंस। साथ ही ये दिखाता है, ये यहाँ पे मिल जाता है, आप सेट कर सकते हैं अपने गिम्बल को मैनुअली फुल फॉलो, फॉलो हॉरिजॉन्टल, फुल फॉलो एंड सीन मोड में। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी सेटिंग, यहाँ से आप अपने गिम्बल को सेट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। और ये जो गिम्बल मोड का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप सीन मोड पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं, एक वॉक मोड एंड एक स्पोर्ट्स मोड, यानी कि अगर आप दौड़ते हुए को शूट कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड पे कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चलते हुए कुछ कर रहे हैं तो वॉक मोड पे इसको डाल सकते हैं। सो और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये फ्लैश के लिए ऑप्शन, ये मोबाइल फ़ोन की बैटरी, ये गिम्बल में कौन सा मोड लगा हुआ है इस समय, साथ ही ये गिम्बल की बैटरी शो करेगा। अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो ये नॉर्मल टेक वीडियो है, स्लो मोशन मिल जाता है, साथ में टाइम लैप्स एंड एम टाइम लैप्स है, ये मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि ये क्या है, चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ इट इज वर्क। बाकी ये टाइम लैप्स तो पता ही, स्लो मोशन भी आपको पता होगा। एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन गिम्बल, यानी कि अगर आपको वीडियो शूटिंग करनी है नॉर्मली या आप एक ब्लॉगर हैं तो इस स्मार्टफोन गिम्बल का यूज कर सकते हैं। जो ट्रिगर बटन है अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये वीडियो रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा, और साथ ही अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो वीडियो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, जो कि ट्रिगर बटन दी गई है यहाँ पे पीछे, अभी मैंने बताया था आपको। तो अभी एक लेते हैं एक वीडियो गिम्बल के साथ में और नॉर्मली, तब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। दोस्तों इस समय जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मैंने फेस ट्रैकिंग ऑन कर रखी है, और मैं
अपने गिम्बल को घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, पर ये मेरा फेस सेंटर में किए हुए है, मतलब कि इसकी फेस ट्रैकिंग भी अच्छी तरीके से काम करती है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन गिम्बल को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। इट्स वर्क बेटर, ज़्यादा यूज नहीं किया बट इट वर्क बेटर। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे इस गिम्बल को खरीदने से पहले, क्योंकि मुझे चाहिए था एक बेस्ट बजट गिम्बल, तो ये गिम्बल मुझे पड़ा है 7200 का, मतलब कि 7200 का। और ये मैंने ख़रीदा था हजरतगंज से, हजरतगंज में एक सहारा गंज मॉल है, वहीं पर एक दुकान है सेकेंड फ्लोर पे, वहीं से मैंने लिया था। दुकान का नाम है डिजिटल शॉप। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा मेरा ये गिम्बल का वीडियो। I see.